अस्सलाम वालेकुम, ग्रैंड कॉर्नर में खुश आमदेद। आज मैं बनाने लगी हूँ मटन पुलाव, तो सोचा आपसे भी शेयर करूँ। बहुत आसान, बहुत जल्दी और बहुत मज़ेदार बनने वाली रेसिपी। आप अगर मेरी पूरी वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आपके किचन में भी इतना ही अच्छा पुलाव बनेगा जितना आज मेरे किचन में बनने वाला है। तो चलें शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है मटन 1 किलो है। इसको मैंने भाइल पानी में डाला, 5 मिनट इसको थोड़ा सा पकाया। इसके अंदर जो ब्लड वगैरह था वो उसको साफ किया, दोबारा से धोया और ये मटन अब पकाने के लिए रेडी है। तो चलें इसको मैं डालती हूँ अपने कुकर के अंदर। मैं इसको अपने वैसे जो नहीं रखने वाली, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा देर लग जाती है। इसके साथ मैंने ली हैं ये चंद कलियाँ लहसुन की, एक प्याज है मीडियम साइज की, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च है और ये चंद साबुत मसाले हैं जिसमें एक बड़ी इलायची है, दालचीनी का टुकड़ा है, चंद काली मिर्च हैं और थोड़ा सा साबुत सूखा धनिया, नमक है। तो चलें ये चीज़ें पहले मैं डालती हूँ इसके अंदर। ये सारी चीज़ें जो चली गई हमारी अंदर इसके, ठीक है। प्याज को हम काट लेते हैं। प्याज चला गया, 2 गिलास पानी डालती हूँ। चूल्हा हम करते हैं अपना ऑन। प्रेशर कुकर को मैं बंद कर ली हूँ 10 मिनट के लिए, सिर्फ 10 मिनट के लिए बंद करेंगे। अब बाकी जो चीज़ें मैं इसमें इस्तेमाल करने वाली हूँ, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये चावल 1/2 किलो चावल है, ये 2 गिलास मैंने भर के लिए हैं। अच्छा, इसके लिए मैंने ये कटी हुई प्याज ली है, तड़के में हम इस्तेमाल करेंगे। कुटा हुआ अदरक और लहसुन है 2 खाने के चम्मच, 2 छोटी हरी मिर्च है, नमक है 1 खाने का चम्मच। ये चावल के अंदर जाएगा, मटन के हिस्से का नमक जो है मैंने उसके अंदर डाल दिया है। ये ज़ीरा है, पिसा हुआ सूखा धनिया है और ये थोड़े से मसाले जिनको मैं मोटा मोटा भी कूट लूँगी, बस आपको ये दिखाने के लिए मैंने रखे हैं। इसमें चंद काली मिर्च के दाने हैं, एक बड़ी इलायची है, दालचीनी का टुकड़ा है और कुछ लौंग है। 10 मिनट के बाद मैं अपने प्रेशर कुकर को खोलती हूँ। तो चले जी, 10 मिनट हो चुके हैं, प्रेशर कुकर खोलते हैं अपना, देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि मटन रेडी हो चुका होगा जिस तरह का मुझे चाहिए। जी हाँ, मटन रेडी है। मैंने इसमें इतनी कोई यखनी नहीं बनाई, ना ही मुझे यखनी बनानी है, सब कुछ इसके अंदर है। यखनी मैं नहीं बनाती कभी भी चावल के लिए। ये ऑयल डाल रही हूँ 1 कप। सबसे पहले हम अपने प्याज डालते हैं, इसको करते हैं गोल्डन। प्याज हमारी गोल्डन हो चुकी है, अब हम इसमें ये लहसुन गार्लिक डाल देते हैं। इसको थोड़ा सा फ्राई करते हैं, थोड़ा सा इसको फ्राई करने के बाद हम अपना मटन इसके अंदर शामिल करते हैं। उसके बाद सारे मसाले डालेंगे और इसको भून लेंगे। हम मटन इसके अंदर शामिल कर देते हैं। चटनी बनाने की ज़रूरत नहीं होती, सब कुछ इसके अंदर बन जाता है ऑटोमेटिकली, और इसके अंदर या कुछ भी बाहर नहीं निकला, जब ही इसके अंदर बन जाएगी। चलें अब इसके साथ हरी मिर्च, अब चावल के हिस्से को हम ये नमक डाल दें इसके अंदर। ये कुटे हुए मैंने मसाले कूट लिए थे जो आपको दिखाए थे, वो डाल दूँ। जीरा है 1 टी स्पून है, सूखा धनिया है 1/2 खाने का चम्मच, नमक 1/2 खाने का चम्मच है। चख लेंगे अगर ज़रूरत हुई, जब पानी डालते हैं तो उस वक्त नमक हम चख लेते हैं। अगर पानी के अंदर नमक ठीक है तो इंशाल्लाह चावल के अंदर भी वो ठीक होगा। ये बहुत मज़े का पुलाव बनता है, बहुत आसान रेसिपी है। बस गोश्त को मैंने पहले जो इसको रखा था लहसुन प्याज डाल के गलाने के लिए, मसाले थोड़े से डाल के, तो इतना ही मैंने गलाया है। इसके अंदर अब इतनी गुंजाइश है कि जब चावल इसके साथ डालूंगी पकाऊंगी तो वो गोश्त जो है अपना गल जाए। गोश्त हमारा ही बहुत अच्छा सा ये
बुन चुका है, नज़र आ रहा होगा। इसके अंदर हम डालते हैं पानी। देखिए ये पानी, एक मैंने दो गिलास चावल लिए हैं, एक गिलास के साथ डेढ़ गिलास पानी जाता है, ठीक है। तो मैंने दो गिलास चावल लिए हैं, तो इनके लिए मैं तीन गिलास पानी डालूंगी। हम ये तीन गिलास पानी शामिल करते हैं इसमें। चलें जी, यहाँ पे हम चखते हैं इसका नमक। नमक बिल्कुल ठीक है। नमक और मसाले आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इसको हम करते हैं बंद, तो जो ही बॉयल होने पे आएगा हम इसमें डालते हैं चावल। चलें जी आ जाएं, ये हम चावल डालने जा रहे हैं। चावल मैंने जब गोश्त रखा था पकने के लिए, तो चावल मैंने उस वक्त धो के भगो दिए थे। तकरीबन 15 मिनट हो गए इनको, ज़्यादा नहीं भगोते। अगर बहुत ज़्यादा भीगे हुए होंगे चावल, यानी एक घंटा पहले के या इससे ज़्यादा टाइम के, तो वो क्या होगा कि आपके चावल की ऊपर वाली लेयर फौरन पक के वो चावल आपके जुड़ जाएंगे। और वो जो बंदे को होता है ना कि एक बहुत अच्छे से भाई चावल हों खिले खिले से, तो वो फिर वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। तो मिक्स किया, हम इसको ढक देते हैं और आँच मीडियम है, मीडियम आँच पे। इंशाल्लाह जब इसका पानी ड्राई होगा तो हम इसको करेंगे दम पे। रहिएगा हमारे साथ और देखिएगा पूरी वीडियो। इंशाल्लाह आपके किचन में भी इसी तरह बहुत अच्छा सा मटन पुलाव तैयार होगा। ये चावल हमारे दम पे जाने के लिए रेडी हैं, पानी ड्राई हो चुके हैं। तो हम चावल को करते हैं दम पे। वाल मैंने बंद कर दिया है ताकि स्टीम इसके अंदर रहे। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। बहुत अच्छा सा पुलाव तैयार है। चूल्हा हम करते हैं बंद। दम आ चुके हैं इसको, इतनी प्यारी सी और इतनी अच्छी खुशबू, यकीन करें किचन में तो क्या पूरे घर के अंदर माशाल्लाह से बहुत अच्छी सी खुशबू फैल गई है। ये देखिए हमारा कितना अच्छा सा मटन पुलाव तैयार हुआ है। ये देखें जी, माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा हमारा पुलाव तैयार है। बहुत अच्छी सी इसकी खुशबू और इसका बहुत अच्छा सा जायका है। बहुत मज़ेदार पुलाव तैयार हुआ है। तो आप भी अपने किचन में ऐसे ही तैयार कीजिएगा। ये देखें इसकी कितनी अच्छी इसकी लुक है, और ये यकीन करें खाने में बहुत मज़ेदार है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।